दोस्तों देखिए, न्यू क्रिएटर्स ने ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद जब वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो इस वीडियो के बारे में टेंशन करना छोड़ देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, और दोस्तों इतना काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद जब एक वीडियो अपलोड करते हो और इस वीडियो पर जब व्यूज़ नहीं आता है तो दिल टूट जाता है। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि वीडियो अपलोड करने के बाद जब आप देखते हो कि आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो दोस्तों सिर्फ आपको एक काम करना होगा, और जब ये काम करते हो ना उसके बाद दोस्तों आप लगभग एक घंटे के बाद आप देख सकते हो कि फिर से आपके वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू हुआ है। दोस्तों देखिए, मैं एक न्यू क्रिएटर्स नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों ये जो चैनल है ये चैनल बिल्कुल नया है, और इसलिए दोस्तों इस चैनल के हिसाब से मैं एक न्यू क्रिएटर्स हूँ, लेकिन मेरा और दो चैनल चल रहा है। दोस्तों अगर आप चेक करना है यानी कि वेरीफाई करना है कि सच में मेरा और चैनल है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके देख सकते हैं कि मेरा और चैनल है जिस चैनल से मेरा अर्निंग हो रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं कि मेरा और चैनल है और मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। सो दोस्तों एक चैनल ग्रो करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना होता है, और दोस्तों देखिए आज की डेट में अगर आप एक यूट्यूबर बनना है तो आपको काफ़ी मेहनत करना होता है, और दोस्तों यूट्यूब पर आपको हर टाइम आपको फोकस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस टॉपिक पर ज़्यादातर डिमांड है, ये टॉपिक आपको ढूंढना होता है, किस टाइम पर क्या टॉपिक यूट्यूब पर चल रहा है इसको आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद दोस्तों जाके आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर बनना है तो आपको करना क्या है कि हर टाइम आप ऑनलाइन चेक करना होता है कि किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिमांड है, और जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिमांड है उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाना है और वीडियो अपलोड करना है। और दोस्तों एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं, बड़े बड़े बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन दोस्तों काम करने में काफ़ी मेहनत होता है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखना है और बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं एक क्रिएटर्स के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इस बंदे ने क्या कर रहा है कि YouTube पर मोबाइल से कैसे वीडियो अपलोड करने से ज़्यादा व्यूज़ आ सकता है थंबनेल पर लिखा है, और उसके बाद दोस्तों मैंने ये पूरा वीडियो वॉच किया है। दोस्तों लास्ट में क्या हुआ है कि इस वीडियो को मैंने एक बार चेक किया है कि इस वीडियो कैसे YouTube पर अपलोड किया है, तो दोस्तों मैंने देखा कि जिस तरह ऑडियंस को बताया है कि इस तरह वीडियो अपलोड करना है, एक तरह ऑडियंस को दिखाया है कि इस तरह वीडियो अपलोड करना है, और खुद और दूसरे तरीके से वीडियो अपलोड किया है। सो दोस्तों इस तरह क्रिएटर से आपको करना क्या है कि आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ऐसा यूट्यूबर की वीडियो देखकर आपका चैनल बर्बाद हो जाए। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और किसी का वीडियो के ऊपर उम्मीद मत लगाइए। सो दोस्तों मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हो टेक इंडिया शाहिद। चलिए आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ दोस्तों कम से कम एक लाइक करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपको YT स्टूडियो ओपन करना है, लेकिन YT स्टूडियो ओपन करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम और 2 मिनट आगे तक देखिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग आपको जिस तरह दिखाते हैं कि इस तरह आपके वीडियो पर अप्लाई करना है और उसके बाद आपके वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू होता है। सो दोस्तों मैं इस तरह मैं नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि जिस तरह लोग दिखाते हैं मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम और 2 मिनट आगे तक देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों YT स्टूडियो ओपन करना है, ठीक है, इसके बाद ये ओपन होने दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो रिसेंटली आपने जो वीडियो अपलोड किया है, सिंपली जिस वीडियो पर मतलब व्यूज़ डाउन है सिंपली वही वीडियो ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन है गो टू वीडियो एनालिसिस, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों रिच ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंप्रेशंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4800, तो सिंपली आपको करना क्या है कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए यूट्यूब सार्स ट्राम्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर मतलब किस टैग की मदद से आपके वीडियो देखा जा रहा है, तो सिंपली यूट्यूब सार्स टर्म्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर देखिए लास्ट 28 डेज, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों लास्ट 7 डेज चूज़ करना है। लास्ट 7 डेज जब चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस मतलब क्यूआर के थ्रू आपके वीडियो देखा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि मेरा जो वीडियो है बिल्कुल काफ़ी मतलब बिल्कुल जेन्युइन क्यूआर के थ्रू मेरा वीडियो देखा जा रहा है,
लेकिन दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो चेक किया है कि यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए आपने YouTube ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड किया है, लेकिन यहाँ पर उस कीवर्ड यहाँ पर शो किया जा रहा है कि मान लीजिए म्यूजिक का कीवर्ड शो किया जा रहा है या मतलब कुकिंग रिलेटेड चैनल के कीवर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों अगर टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड डिस्प्ले नहीं होता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जो कीवर्ड है यहाँ पर मतलब मेरे लिए ये उल्टा है बिल्कुल, जैसे कि तत्काल सॉफ्टवेयर, ये मेरे वीडियो के रिलेटेड नहीं है। तो आपको करना क्या है कि दोस्तों देखिए काफ़ी यूट्यूबर ने बताते हैं कि ये जो कीवर्ड है सारी के सारे कीवर्ड स्क्रीनशॉट करके आपके वीडियो पर मतलब टैग लिस्ट और डिस्क्रिप्शन पर डालना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सारी के सारे कीवर्ड नहीं डालना है, क्योंकि दोस्तों ये हो सकता है मतलब YouTube ने आपको मतलब मिसलीड बता सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मतलब जो आपके रिलेटेड जो कीवर्ड है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों जो बाकी कीवर्ड है जैसे कि म्यूजिक रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड शो हो रहा है, कुकिंग रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड शो हो रहा है, तो दोस्तों अगर ये दोनों कीवर्ड आपके वीडियो पर यूज़ करते हैं तो मिसलीड 100% YouTube ने कहता है। इसलिए दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट जो रैंक वाला जो कीवर्ड है यहाँ पर आप परसेंटेज देख सकते हैं, जैसे कि 52.2%। तो दोस्तों ये कीवर्ड आपको सिंपली यहीं से उठाना है, यानी कि कॉपी करना है या लिखना है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जाना है क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र दोस्तों जैसे ओपन करेंगे तो इसके बाद दोस्तों ये कीवर्ड आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देखिए जॉन और इसके बाद SAMAR पोर्टल, ये कीवर्ड के थ्रू मेरे वीडियो ज़्यादा देखा जा रहा है, तो सिंपली सर्च करना है। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के रिलेटेड मतलब किस कीवर्ड के रिलेटेड वीडियो को ज़्यादा मतलब YouTube पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए डायरेक्टली आप देख सकते हैं जैसे कि लोग ये भी पूछते हैं, यानी कि लोग ये भी सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए इसके रिलेटेड कितना कीवर्ड आ चुके हैं, तो और भी आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर और भी देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मिलती जुलती कुछ है, यानी कि इसके रिलेटेड जो कीवर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर YT स्टूडियो से स्क्रीनशॉट करके अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप डालते हो तो आपका गलती हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिसलीडिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो कीवर्ड यहाँ पर शो हो रहा है यानी कि मिलती जुलती, यानी कि इस कीवर्ड के रिलेटेड, तो ये कीवर्ड आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिखना है और टैग लिस्ट में लिखना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कैसे लिखना है, चलिए मैं यहाँ पर एक कीवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली इसके ऊपर उंगली से लॉन्ग प्रेस करना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉपी लिंक टेक्स्ट, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि सिंपली फिर से YT स्टूडियो ओपन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आना है बैक, बैक आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर और भी बैक आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आइकन है, पेंसिल आइकन है, तो सिंपली पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए फर्स्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो कीवर्ड है कॉपी कर देना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि फिर से बैक आना है और नीचे यहाँ पर दोस्तों देखिए मोर ऑप्शन, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपने जितना टैग यहाँ पर सेट किए हुए यहाँ पर शो हो रहा है, तो बाकी जो टैग है मतलब क्रोम ब्राउज़र से कॉपी करके यहाँ पर डालना है। लेकिन दोस्तों YT स्टूडियो में जो मतलब कीवर्ड शो हो रहा है ये सारे के सारे कीवर्ड यहाँ पर मतलब सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मतलब YouTube के जो पॉलिसीज़ का मतलब रूल आउट होता है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।